नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईश्वर आलय म्यूजिक। आज बहुत ही सुंदर एक म्यूजिक धुन है जो कि आप किसी भी भजन संध्या के लिए तो बहुत ही एकदम से सूट करेगी, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर ये धुन है। इस धुन में भक्ति पूर्ण भाव झलक करके सामने आता है और लोग इस धुन को सुन करके खो जाते हैं, आध्यात्म से जुड़ जाते हैं। इसलिए ये धुन बहुत ही मधुर है, खासकर भजन संध्या के लिए बहुत ही बेहतरीन और उपयुक्त धुन है। इसको कैसे बजाना है, इसका स्केल तीसरी काली यानी एफ शार्प माइनर है। इसमें लगने वाले स्वर लोअर ऑक्टेव का धा कोमल नी कोमल, कहने का तात्पर्य बिल्कुल राग भैरवी के स्वरों पर आधारित है। धा नी कोमल लोअर ऑक्टेव के, सा रे कोमल भी आएगा, कभी कभार शुद्ध भी लगेगा, गा कोमल रहेगा, मा पा और ये धा कोमल, तो ये इसमें सुर लगेंगे। देखना कैसे बजाना है। ये धुन दो फ्रेजों में बजेगी, मतलब इसके तीन भागों में। पहला फ्रेज मैंने तीन भागों में बजाया, धा धा नी 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 सा, ये हुआ पहला जिसमें धा नी कोमल है। दूसरा भाग इसका हुआ सा 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 नी नी रे, और तीसरा पार्ट हो गया रे रे कोमल रे 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 सा सा नी नी सा नी धा, ये तीसरा भाग हो गया। एक बार फिर से देखें ताकि कंफ्यूजन न रहे। फ्रेज वन का पहला भाग धा धा नी 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 सा, और दूसरा भाग सा 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 नी नी रे, तीसरा भाग रे रे सा सा नी नी सा नी धा, ये तीसरा पार्ट हो गया। अब तीनों पार्ट को मैंने मिला दिया, अब इसका दूसरा फ्रेज, दूसरा फ्रेज ग ग म म म म म, ये पार्ट पहला पार्ट हो गया दूसरे फ्रेज का। दूसरा म म ग म धा प म ग रे, म म ग म धा प म ग रे, अब यहां शुद्ध रे आया दूसरे पार्ट में। और तीसरा पार्ट मामा मामा धा पा मा गा रे सा, यहां भी रे शुद्ध है। अब देखना दोनों पार्ट जोड़ के बताता हूं। दोस्तों ये धुन है और बढ़िया मस्त धुन है, एकदम भक्ति भाव पूर्ण इसमें स्पष्ट नजर आता है, तो आप इसको अवश्य बजाना सीख लें, बहुत ही अच्छी धुन रहेगी आपके लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।